के ही शुभ संदेश के चैनल पर प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम परमेश्वर महान है स्तुति के योग्य है वो हमसे प्यार करता है और वो हमारी रखवाली करता है हमारी रक्षा करता है वो हर खतरे से हमें बचाकर अपनी पनाह में रखता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है इसलिए आइए हम उसके नाम का धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं हम सारे मित्रोंगण सहित परमेश्वर पिता अपने आवाज़ को उठाकर तुझे धन्यवाद कहते हैं तू परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है तूने वायदा किया है मैं ना तुम्हें कभी छोडूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा प्रभु जी अपनी हथेली पे तूने हमारे नाम को खोद रखा है और परमेश्वर पिता तू हमें हमारे नाम से जानता है हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि हमने तुझे नहीं चुना परंतु तू ने हमें चुन लिया है और हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि तूने परमेश्वर उद्धार का मार्ग हमें बताया है और होने दे प्रभु जी कि हमें सुधार के मार्ग पर ना सिर्फ चलें लेकिन दूसरों तक भी ये शुभ संदेश सुना सकें प्रभु जी हम उन सारे लोगों को याद करते हैं जो परेशानी और समस्याओं का सामना कर रहे हैं हम विनती करते हैं कि आप उनमें से एक एक को छू लेंगे परमेश्वर और एक एक की परेशानी से उन्हें मुक्त करेंगे और होने दे प्रभु जी हर समस्या का हल प्रभु ईशु मसीह के नाम में है और इसलिए हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप एक, एक सदस्य को अपने नेक और मजबूत हाथ से छू और शांति प्रदान कीजिए आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आज जो कुछ पाठ हम सीखेंगे और जो जिस पर हम ध्यान देंगे पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करेंगे ताकि प्रभु जी हम तेरे वचनों को ठीक तरीके से समझ सकें और परमेश्वर उसको अपने जीवन में ढाल सकें आशीषों के लिए फिर से एक बार तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन और आमीन मित्रों आज हम लू का रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय और उसकी छत्तीसवीं आयत से आगे बढ़ेंगे तो आइए हम देखें इधर लिखा है फरीसी के घर पापिन स्त्री की क्षमा तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे फिर किसी फरीसी ने उससे बिनती की कि वह उसके साथ भोजन करे अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा हम देखते हैं जहाँ तक फरीसी सदुकी और व्यवस्थापक लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ केवल इसीलिए जाते थे और उसके पीछे पीछे घूमते थे कि कोई ना कोई उसकी गलती को वो पकड़ें ताकि उसे दोषी ठहराकर उसे मार डालें और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक फरीसी प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरे घर भोजन करने तो जो सारे फरीसी या सारे सदूकी जो थे वो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं थे हम देखते हैं निकोदीमस को वो रात में उससे मिलने आया था और हम गमलियल को भी देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा लेकिन यदि ये परमेश्वर की ओर से आया है तो हम अपने आप को परमेश्वर से लड़ता हुआ पाएंगे तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से व्यवस्थापक और फरीसी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की प्रतीति की थी और उससे मानते थे और वो उसके चेले भी थे तो यहाँ हम देखते हैं कि एक फरीसी उसे अपने घर बुलाता है और प्रभु ईशु मसी उसके नेवते को ग्रहण करता है और उसके घर जाता है और भोजन के लिए बैठता है उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोछने लगी और उसके पाँव बार बार छूम कर उस पर इत्र मला तो जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे सारी जगह ये खबर फैल जाती थी कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे आए हैं और किस घर में है प्रभु यीशु मसीह वो भी लोगों को पता पड़ जाता था और सारे के सारे वहाँ पहुँच जाते थे और इस पापिन स्त्री को ये बात पता पड़ी कि इस फरीसी के घर में आज प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो वो संगमरमर का पात्र लिए हुए इत्र से भरा हुआ पात्र लिए हुए वो वहाँ पहुँच गई और वो पापिन स्त्री थी आप उसका अंदाज लगा सकते हैं कैसे उसने प्रवेश किया होगा क्योंकि पापिन स्त्री को हर एक जन नीची नज़रों से देखता है वहाँ पर दरबान ने ही बाहर उसे डांटा फटकारा होगा छुपते छुपाते वो अंदर आई होगी जिसकी भी नज़र उस पर पड़ रही होगी वो उसे डांट रहा होगा वो उसे भगाने की कोशिश कर रहा होगा और वो उस प्रकार से डांट खाते हुए लोगों की नज़रों से बचते बचते अंदर आ पहुँची और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा तो उससे हिम्मत आ गई होगी कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये सच बात है मित्रों जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तब हमारे दिल में एक हयाओ एक हिम्मत आ जाती है कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वहाँ पर और फरीसी बैठे हुए होंगे सदुकी बैठे होंगे वहाँ पर व्यवस्थापक लोग बैठे होंगे वहाँ पर बड़े बड़े उहदे पे जो लोग होते हैं उन लोगों को भी उसने न्योता दिया होगा कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया है वैसे तो हम लोग उससे सड़क पर देखते हैं मैदान में देखते हैं पहाड़ पर देखते हैं भीड़ में वो रहता है हमेशा लेकिन अगर आज तुम लोगों को उससे अकेले में मिलना है तो मेरे घर वो आ रहा है तुम लोग आ सकते हो हम देखते हैं ऐसे ही जब प्रचारक लोग कहीं भी प्रचार करने जाते कोई क्रूसेड होता मीटिंग होती वहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई प्रचारक लोगों को अपने घर बुलाते हैं कि हमारे घर आइए और भोजन कीजिए और जब वो प्रचारक उस घर को जाता है खाना खाने के लिए तो वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उसके साथ इनवाइट कर लेते हैं कि वो आज हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं खाना खाने के बाद सबके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो तुम लोग सब आ जाओ उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जब उन्हें उन्हें किया होगा तो उन्होंने और भी लोगों को इनवाइट वहाँ पर किया तो इस प्रकार से जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसे हिम्मत आ गई और वो सीधे जाके प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़ी हो गई मित्रों हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दिल में जो दया और कृपा भरी हुई थी उससे एक पापी को भी हिम्मत आ जाती थी उसको ये विश्वास हो जाता था कि चाहे सारी दुनिया मुझे नीची नज़रों से देखे चाहे सारी दुनिया मुझे ठुकरा दे चाहे सारी दुनिया मुझे अलग कर दे ये एक ऐसा इंसान दया सागर है जो मुझे मेरा तिरस्कार नहीं करेगा जो मुझे नीची नज़रों से नहीं देखेगा जो मुझे अंगीकार करेगा और आज भी मित्रों हमें वो बात याद रखना है चाहे सारी दुनिया ने हमसे कहा हो कि मैंने तो तुझे छोड़ दिया मैं तो तुझसे प्यार ही नहीं कर सकता तू बेकार है तू तु तुच्छ है तू तु नीचा है तू कोई भी कुछ भी बोला हो किसी ने भी लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमारा तिरस्कार नहीं करते कभी भी हमें नीचे नज़रों से नहीं देखते कभी भी हमें छोटा नहीं समझते कभी भी हमें बेकार नहीं समझते वो हमेशा हमारा एक बड़ा आंकड़ा लगाते हैं कि ये इंसान मेरे काबिल है ये इंसान क्योंकि इसलिए वो हम हमें एक अच्छा स्थान ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि वो हम में अपने आप को देखते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया तो ये स्त्री धीरे से आकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़ी हो गई पाँव के पास क्योंकि जब यहूदी लोग खाना खाते थे तो दस्तरखान जब बिछता था तो ये लोग नीचे बैठते थे और पाँव पीछे मोड़ के बैठते थे तो वो पाँव के पास खड़ी होकर रोने लगी और उसके पाँव पे टप 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 करके प्रभु यीशु मसीह के पाँव पे गिरने लगे और इतने आंसू उसने बहाए कि उससे उसके पाँव को धोया उसने लिखा है कि वो उसने खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और प्रभु यीशु मसीह ने पलट के देखा होगा क्योंकि पानी उसके पाँव पे गिरा होगा तो उसने पलट के देखा होगा और उसने देखा कि ये पापिन स्त्री उसके पीछे खड़ी हुई है और बिलख बिलख के रो रही है उसे अपने पापों का पश्चाताप हो रहा था वो प्रायश्चित कर रही थी प्रभु यीशु मसीह की सन्निधि में जब हम आते हैं तो अपने आप हमारा मन जो है वो व्याकुल हो जाता है और हमारे पाप हमें स्मरण आ जाते हैं हम अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु के सामने और अपने पापों को छोड़ने के लिए हमारी मनसा उत्पन्न होती है और भिगोने लगी और अपने बालों से पोछने लगी मित्रों हम अपने बालों की कितनी परवाह करते हैं हम कई प्रकार के तेल लगाते हैं और हम अलग अलग शैम्पू और कंडीशनर्स यूज करते हैं हम हर प्रकार से अपने बालों की देखभाल करते हैं और लंबे बाल हम सबको अच्छे लगते हैं हम स्त्रियों को और हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि हमारे बाल सुंदर और अच्छे बन जाए यहाँ पर वो अपने बाल इट इज़ कॉल्ड द ग्लोरी ऑफ अ वूमन एक स्त्री की महिमा होती है उसके बाल लेकिन उसने उस बाल से उसके पाँव को पूछा और लिखा है उसके पाँव को बार बार चूम कर उस पर इत्र मला तो उसने इत्र निकाला और इत्र उसके पाँव पर डालने लगी और उसके पाँव को छूटने लगी वो उससे कहना चाहती थी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरी ओर भी देख सकूँ मैं सिर्फ तेरे चरणों के पास रहना चाहती हूँ हम मरियम के बारे में भी देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर और उसकी बातों को सुना करती थी और यहाँ हम देखते हैं कि ये पाँव को अपने आंसुओं से भिगो रही है इत्र उस पर मल रही है और उसे बार बार लिखा है छूम रही है यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है क्योंकि वह तो पापिन है तो यहाँ पर ये फरीसी जिसने उसे बुलाया था खाना खाने पर तो एक दोस्ती का हाथ उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ाया था और अपने घर में उसे दावत दी थी लेकिन उसके मन में वो सोच रहा है यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कौन है जो उसे छू रही है क्योंकि यह तो पापिन स्त्री है मित्रों प्रभु यीशु मसीह को हमें न्योता देना अपने हृदय में बुला लेना या अपने घर में उसे स्थान देने का यह मतलब नहीं होता कि अब हम सारे पाप से छुटकारा मिल गया है हम जितने पाप उसके सामने मान लेते हैं उतने ही पाप क्षमा होते हैं हम अपने अपने हृदय में बहुत से ऐसे विचार हम कभी कभी रखते हैं जो प्रभु को नहीं भाते या प्रभु के विरुद्ध में होते हैं और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऊपरी तौर से नहीं देखता परंतु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर होता है क्योंकि यदि हम ऊपरी तौर से देखें तो ये एक अच्छा फरीसी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में नेवता दे उसे ग्रहण किया है तो ये एक बहुत अच्छी बात कर रहा है ऊपरी तौर से देखा जाए तो उसने कितना पैसा खर्चा करके और वो दावत की है लेकिन उसका हृदय जो है प्रभु से दूर है उसके हृदय में प्रभु के विरुद्ध विचार उठ रहे हैं वो सोच रहा है कि ये यदि सचमुच भविष्यवक्ता होता उसने प्रभु यीशु मसीह को भविष्य मान के ही अपने घर बुलाया लेकिन अब उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि यदि ये भविष्य होता तो ये कौन स्त्री उसे छू रही है ये वो जान जाता है कि ये पापिन स्त्री है हम भी कभी कभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं अपना जीवन उसे दे देते हैं ऊपरी तौर से हम लोग जब हमें देखते हैं तो हम हमारा व्यवहार देखते हैं हम गिरजे घर प्रति संडे चले जाते हैं रविवार को सारे काम जो भी हमें करना चाहिए गाना गाना बाइबल पढ़ना दुआ करना सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे मन इसीलिए भविष्यवक्ता ने कहा है ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके हृदय मुझसे बहुत दूर हैं तो मित्रों आज हम अपने हृदयों को जांच कर देखें कि क्या हम प्रभु की स्तुति आराधना केवल ऊँटों से कर रहे हैं या हमारे हृदय भी उसके उसको हमने अपना पूरा हृदय दिया है और एक बात जो इस फरीसी को खटक रही होगी वो है उस स्त्री का अंदर आना प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो स्त्री उनके घर के अंदर आई थी और सारे लोग उस फरीसी को देख रहे होंगे कि ऐसे कैसे ये औरत अंदर आ गई शिमोन से उन लोगों ने कहा होगा क्योंकि उस फरीसी का नाम शिमोन था उन्होंने उसे देखकर कहा होगा एक कि क्यों ये औरत घर के अंदर आई ये तो पापिन स्त्री है और ऐसे तूने क्यों अंदर आने दिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो उसे कुछ ना बोल सका और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय की बात जानी और उससे ये बात कही उससे कहा कि हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है और उसने उसे गुरु करके संबोधित किया और कहा हे गुरु कह तो उसे गुरु मानता था और जब उससे कहा कह तो उसने उसे ये बातें कहना शुरू किया किसी महाजन के दो देनदार थे एक पाँच सौ और दूसरा पचास दीनार का देनदार था जब उनके पास पटाने के कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा तो उसने शिमोन फरीसी को एक दृष्टांत सुनाया कि किसी महाजन के दो देनदार थे और एक देनदार के तो 500 सौ उधार थे और दूसरे के पचास देनार उधार थे और इन दोनों के पास पटाने के लिए वापस पैसा देने के लिए कुछ भी पैसा उनके पास नहीं था और जब उन्होंने जाकर उसके हाथ पांव पड़े होंगे और उससे माफ़ी मांगी होगी कि हमारे पास आपको वापस पैसा देने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है तो उस महाजन ने करके उन दोनों को माफ कर दिया और फिर प्रभु यीशु मसीह शिमोन से ये बात पूछते हैं कि उसने दोनों को क्षमा कर दिया इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा प्रभु यीशु मसीह अक्सर एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से ही देते थे और कोई भी उनके मन में जब विचार उठते थे तो उसका जवाब भी वो उनसे एक प्रश्न पूछकर ही उसका उत्तर देते हुए करते थे तो यहाँ पर ये प्रश्न उन्होंने उससे पूछा और शिमोन ने उसको उत्तर दिया मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया तो जब शिमोन से पूछा गया तो शिमोन ने कहा कि जिसका ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ वही उसे ज़्यादा प्रेम करेगा जिसका कम कर्ज़ा माफ हुआ वो कम प्रेम करेगा और जब इस प्रकार से शिमोन ने उससे कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह बात बिल्कुल सच है तूने ठीक विचार किया और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा तो अब वो शिमोन के हृदय में जो विचार उठ रहे थे कि ये भविष्यवक्ता नहीं यदि होता तो इसे मालूम होता कि पापिन स्त्री है अब प्रभु यीशु मसीह दोनों की तुलना कर रहे हैं कि एक पापिन स्त्री का व्यवहार क्या था प्रभु यीशु मसीह के साथ और एक फरीसी का व्यवहार क्या था उसने कहा जब मैं तेरे घर आया तो अक्सर जब लोग पैदल चल के आते हैं तो पाँव धूल से भरे हुए होते हैं और वो लोग उन्हें पाँव धोने के लिए पानी दिया जाता है लेकिन इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को पानी नहीं दिया था और प्रभु यीशु मसीह कह रहे तूने तो मुझे पानी नहीं दिया लेकिन स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगो कर और अपने बालों से मेरे पाँव को पोंछा है फिर कहा तूने मुझे चूमा ना दिया पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा मित्रों कितना प्यार हम जिसे नीची नज़रों से देखते हैं कभी कभी परमेश्वर की नज़रों में वो बहुत ऊंचे होते हैं हम बाहरी रूप देखते हैं परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है और यहाँ कहता है कि जब मैं अंदर आया तेरे घर में तो तूने मुझे एक बार भी चुंबन नहीं किया एक बार भी नहीं चूमा लेकिन स्त्री को देख मैं जब से आया हूँ तब से मेरे पाँव को ये चूम रही है और अपना प्यार मुझे जता रही है तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है तो बता रहा है उसको कि सिर को अनोइंट करते हैं सिर पे तेल मलते हैं एक आदर करते हैं गेस्ट का तो वो कहता है कि मैं जब आया तेरे घर तो तू ने मेरे सिर पर तेल नहीं मला लेकिन उसे देख वो इत्र लेकर मेरे पाँव पर मल रही है फिर लिखा है इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है तो प्रभु मसीह ने शिमोन से कहा देख पापिन स्त्री तो है और बहुत पापिन है बहुत पाप किए हैं इसने लेकिन आज इसने पश्चताप करके प्रायश्चित करके अपने पापों की मुझसे क्षमा मांगी है और मैं इसके पापों को क्षमा करता हूँ और इसके पाप बहुत थे जैसे वो देनदार को 500 सौ दिनार देना था और वो कहता है कि जो ज़्यादा जिसका कर्जा होता है उसका प्रेम भी ज़्यादा होता है तो कहता है कि क्योंकि इससे ज्यादा क्षमा किया गया इसलिए इसका प्रेम बहुत बड़ा है और जिसे मैं थोड़े पाप वाले जो हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और जिनके जो सोचते हैं कि हम इनके समान नहीं हैं ये तो पापी लोग हैं लेकिन जो अपने आप को धर्मी समझते हैं प्रभु कहता है उनके जो सोचते हैं कि थोड़े पाप हैं जब मैं उन्हें क्षमा करता हूँ तो उनका प्यार भी थोड़ा होता है और उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के पापों को क्षमा करा और उस स्त्री से कहा स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है मित्रों ये बहुत बड़ी बात है कि पापों को क्षमा करना दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं आया जिसे पाप क्षमा करने का अधिकार था कितने भविष्य वक्त आए थे शुरू से लेके अभी तक लेकिन योहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी पापों की क्षमा देने का अधिकार नहीं था उसने उन लोगों से यही कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ उसने ये कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है जो देखो ये मेमना जो संसार के पापों को लिए जाता है तो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पूरी इतिहास में हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर शुरू से लेकर आखिर तक किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया था परमेश्वर की ओर से कि वो पापों को क्षमा करे केवल प्रभु यीशु मसीह और आज यदि हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है क्योंकि ये स्त्री जो रो रही थी और अपने पापों का पश्चाताप रो रो कर कर रही थी और पाप पाँव उसके बालों से पूछ रही थी और उस पर इत्र उंडेल रही थी उसे प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए और तब वो लोग वहाँ पर बैठे थे जो लोग वो अपने मन में ये बात सोचने लगे यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है क्योंकि किसी को ये अधिकार नहीं है वहाँ पूर्णीय थे फरीसी थे सदुकी थे व्यवस्थापक लोग थे भविष्य वक्ता भी कितने आ चुके थे लेकिन अभी तक किसी को भी मूसा को भी ये अधिकार नहीं था और ना ही किसी भविष्य वक्ता को यह अधिकार था कि किसी के पाप क्षमा करें पर उसने उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है कुशल से जा मित्रों विश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें प्रभु पर विश्वास करना होता है उद्धार हम विश्वास द्वारा ही पाते हैं हमें और कुछ दाम नहीं चुकाना पड़ता है उद्धार पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये उचित रूप से परमेश्वर ने हमें दिया है ये एक परमेश्वर का बहुमान है ये परमेश्वर ने की देन है उसकी कृपा की देन है जो मुफ्त में हमें देता है और इसलिए हम जब उस पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए हैं और जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तब हम मुक्ति पाते हैं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो इसलिए मित्रों उस पाप स्त्री के समान आइए आज हम भी उसके पास निडर होकर जाएं हाँ लोग हमारी उलाहना करेंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग हमें नीची नज़रों से देखेंगे लोग हमें डांटेंगे हमें भगाएंगे हमें गुस्सा करेंगे लेकिन कोई बात नहीं कैसे ही कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े हमें प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाना है कोई भी अड़चने सामने आए उन सबको लांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना आसान नहीं था कितनी रुकावटें आई लेकिन उन सब रुकावटों को पार करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई और उससे पापों की उसने माफ़ी मांगी आंसुओं द्वारा आंसू बहाकर मुंह से उसने कुछ नहीं कहा लेकिन प्रभु उसके मन के विचार को जान गए उसे माफ़ किया और उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया आज क्या हम भी विश्वास द्वारा उसके पास जाएं और बचा लिए जाएं आइए हम प्रार्थना करें परम प्रधान परमेश्वर पिता हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें बचाने के लिए प्रभु जी इस संसार में आए और आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु जी आज हम भी उस स्त्री के समान अपने पापों को मान लेते हैं परमेश्वर हमने बहुत से गंदे काम किए हैं बहुत से पाप किए हैं वहाँ सारे लोग जो बैठे थे उस पापिन स्त्री को देख कर कह रहे थे कि इतनी पापिन स्त्री को कैसे प्रभु इजाज़त दे रहे हैं कि वो उसे छू सके ओ प्रभु जी तूने कहा जिसे ज़्यादा पाप क्षमा होते हैं वो तुझसे ज़्यादा प्रेम करता है हमारे पापों को क्षमा कर हमारे हृदयों को शुद्ध कर हमारे हृदय में आ जा और विराजमान हो और तू हमारा गुरु और प्रभु बन तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं सारे मित्रगणों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे जो तकलीफ़ जो परेशानी है हर तकलीफ़ से हर परेशानी से मुक्त कर और न सिर्फ़ परमेश्वर शारीरिक तौर से लेकिन आत्मिक तौर से हम सबको मुक्ति दिला तेरी आशीषों मुक्ति दे तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन 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 मित्रों परमेश्वर आपके साथ हो और आपको हर प्रकार से मदद करे जय मसीह की प्रेस्त लौट